चलिए, सो हाइड्रोजन चैप्टर को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, डाइहाइड्रोजन, हाइड्राइड्स, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन कैसे बनता है? विद द नेम हाइड्रो कमिंग फ्रॉम द वाटर एंड जन मतलब जनरेटिंग हाइड्रोजन, इसी से इसका नाम बन गया। हाइड्रोजन के यूजेस की बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट का जो यूज है दैट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, एंड अमोनिया इज फर्दर यूज्ड इन व्हाट? सॉल्वेस प्रोसेस एंड हेबर्स प्रोसेस, बराबर है? सॉरी, हेबर्स प्रोसेस तो अमोनिया बनेगा, सॉल्वेस प्रोसेस में अमोनिया का इस्तेमाल है, एंड ऑसवाल्ड प्रोसेस। ओके, सॉल्वे प्रोसेस क्या बनाने के लिए यूज होता है? तो आपके वॉशिंग सोडा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, एंड ऑसवाल्ड प्रोसेस का जो इस्तेमाल है वो किसके लिए होता है? तो डेफिनेटली वो नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, दूसरे इसके यूजेस की हम लोग बात करें तो रॉकेट फ्यूल के तौर पर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, बाकी जगहों पर उसकी इकोनॉमी, हाइड्रोजन इकोनॉमी इज येट टू बी एक्सप्लोर्ड। ओके, डाइहाइड्रोजन का इस्तेमाल वनस्पति घी बनाने के लिए भी होता है, मतलब वो ऑयल को फैट में कन्वर्ट कर सकता है, और भी कई सारे केमिकल सिंथेसाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल है। मेटल हाइड्राइड बनाने के लिए भी डाइहाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। मेटलर्जिकल प्रोसेस में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमने देखा कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम भी यूज होते हैं। कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जी, हालांकि हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं एज एंड व्हेन नीडेड। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज लाइटर देन द एयर। ओके, ये हवा से हल्का होता है और इसीलिए हाइड्रोजन के जो गुब्बारे हैं वो आप देखते हैं कि हवा में उड़ते हैं, बराबर है? देन अगर हम बात करें हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में, तो हाइड्रोजन की पोजीशन एम्बिग्यूअस है क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ग्रुप 1 को भी मैच होती है और ग्रुप 17 को भी मैच होती है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो तीन चीजें कर सकते हैं। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H- भी बन सकता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ भी बन सकता है, और वो सिंपल कार्बन फैमिली की तरह शेयरिंग भी कर सकता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ में, या और किसी एलिमेंट के साथ में भी इसकी शेयरिंग पॉसिबल है। सो हाइड्रोजन ये तीनों चीज कर सकता है क्योंकि इसकी कॉन्फिग्रेशन क्या है, 1s1 है। ऑलराइट, तो तीनों चीजें पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, दे भी सकता है, शेयर भी कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी सिमिलैरिटी विद अल्कली मेटल, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू नो फ्रॉम दिस हाइड्रोजन टॉपिक, कि अल्कली मेटल की तरह ये क्या करता है। तो अल्कली मेटल की तरह इसकी कॉन्फिग्रेशन सेम है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन का होना, ये एक इलेक्ट्रॉन देके यूनिपॉजिटिव कंपाउंड बना सकते हैं, यूनिपॉजिटिव आयन्स बना सकता है, ये ऑक्साइड बनाता है, हैलाइड बनाता है, सल्फाइड बनाता है, जैसे अल्कली मेटल करते हैं, बराबर है? अल्कली मेटल के होते हैं ना ऑक्साइड, होते हैं ना Li2O होता है, वैसा H2O होता है, बराबर है? LiCl होता है, वैसे HCl होता है, Li2S होता है, तो वैसे H2S होता है। तो जो आपके अल्कली मेटल करते हैं वही चीज हाइड्रोजन भी कर सकता है, तो जो अल्कली करता है वो हाइड्रोजन करता है, तो हुआ ना हाइड्रोजन अल्कली के जैसा, बराबर है? जैसे सोडियम पेरोक्साइड बनाता है Na2O2, वैसे हाइड्रोजन भी पेरोक्साइड बनाता है H2O2, बराबर है? एंड हाइड्रोजन कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बोले तो हाइड्रोजन सामने वाले को क्या दे सकता है? इलेक्ट्रॉन। सेम वे सोडियम पोटेशियम की बातें करें तो ये लोग भी सामने वाले को क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सो द वन विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो हाइड्रोजन जो है इसकी ये सारी सिमिलैरिटी है किसके साथ में? अल्कली मेटल के साथ में। तो अल्कली मेटल के साथ में इस तरह से रिजेंबल करते हैं। अब हम बात करें अनलाइक अल्कली मेटल की, अल्कली मेटल के जैसा इसमें क्या नहीं है, बराबर है? तो अल्कली मेटल की तरह इट डज नॉट प्रजेस अ मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अल्कली मेटल सारे मेटालिक होते हैं लेकिन अल्कली मेटल जो है, सॉरी हाइड्रोजन जो मेटालिक नहीं है, वो तो गैस है, बराबर है? बाकी सारे जो यू नो हाइड्रोजन हेलोजन जो होते हैं, आपको याद है ना उनकी जो ये होती थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो कौन सी रेंज में आती थी? चैट बॉक्स में भिजवाइए, व्हाट वाज द रेंज? नियर अबाउट अल्कली मेटल की कितनी होती थी? अल्कली मेटल बोलेगे तो लीना के आरबीसी फरार, यस 400 to 500 की रेंज होती थी। वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत सुंदर। तो 400 से 500 किलो जूल उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, किसकी? अल्कली मेटल की। लेकिन हाइड्रोजन की देखो इट गोज अप टू 1300, मतलब 1300 तक जाती, तो इट्स वेरी डिफरेंट। सो हाइड्रोजन इस तरह से अल्कली के जैसा नहीं है। इट इज अ शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जैसे बाकी सारे हेलोजन में,
2.7, 2.8, 2.7 एंड सो ऑन, सबके पास में एक इलेक्ट्रॉन कम है, वैसे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है. हाइड्रोजन कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन, मतलब एच माइनस आयन बन सकता है, बराबर है. इट कंबाइंस विद द एलिमेंट टू फॉर्म हाइड्राइड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑल्सो, बराबर है. सेम वे हेलोजन कैन ऑल्सो फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड एंड दे ऑल्सो फॉर्म हाइड्राइड लाइक एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड सो ऑन. सो सिमिलरली ये भी जैसे लिथियम हाइड्राइड बनाता है तो लिथियम क्लोराइड भी बनता है. ओके तो जैसे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, वैसे ही हाइड्रोजन को भी कर सकता है. सो यहाँ पर एच माइनस बन गया, सो हाइड्राइड बन भी सकता है यहाँ पर. एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट इज रिजेम्बलिंग व्हाट, हैलोजन फैमिली. क्या कुशल, बराबर है ना. ओके चलिए, सो हाइड्रोजन की देखिए मैंने आपको वैल्यू यहाँ पर दी है 1312, बराबर है 1312, बराबर है 1312. इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये जरूर कंपेयर करना है कि इनकी देखो 400 से 500 की रेंज में होती है. हैलोजन की देखो सारी 1000 से 1600 की रेंज में, इसका 1008 है, श्री श्री 1008 आयोडीन महाराज, ठीक है. ओके और यहाँ देखिए ये 1600 हो गया, बराबर है कि नहीं. तो ये 1008 1600 मतलब 1000 1500 की रेंज है, सब में 1000 1600 की रेंज है. और ये महाराज देखो 1300 पर है, तो है ना. ये हुआ ना किसके जैसा, हैलोजन के जैसा हो गया फिर तो ये, बराबर है. इनकी सबकी वैल्यू देखो, इनकी वैल्यू देखो. तो हाइड्रोजन मैचेस, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पर आप हाइड्रोजन किसको रिजेंबल करता है, ये सवाल भी पूछा जाता है. तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, इट रिजेंबल्स हैलोजन्स. यस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर आप बात करो तो इट रिजेंबल्स हैलोजन्स. चलिए, इट हैज अ वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डज नॉट पजेस मेटालिक कैरेक्टर, इट इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. जैसे लिथियम अकेला होता है, सोडियम भी अकेला होता है, ऐसा नहीं होता है नाना लिली काका, बराबर ऐसा सब इसमें बनता नहीं है. किसमें, अल्कली में, लेकिन हेलोजन में बनता है ना, एफ एफ सी एल सी एल बी आर बी आर आई आई, बराबर है कि नहीं, इसमें बनता है ऐसा. तो सेम वे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन के बारे में तो वो भी तो बताता है, हा हा, बराबर है कि नहीं, ये भी तो डायटोमिक है. तो हुआ ना हेलोजन के साथ में इसका रिजेंबलेंस. However, in the form of reactivity, अगर reactivity के टर्म में बात करें तो halogens quite ज़्यादा reactive होता है, जबकि hydrogen भी reactive है, इतना नहीं लेकिन ये भी reactive तो है, बराबर. But this reactivity is low as compared to the other halogens, ठीक है. चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में. तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है, प्रोटियम, प्रोट कम्स फ्रॉम प्रथम, ड्यूट कम्स फ्रॉम द्वितीय, एंट्रीट कम्स फ्रॉम तृतीयम, बराबर. तो प्रथम द्वितीय और तृतीय, बराबर है. तो प्रथम मतलब जिसका एक ही मास हो, बराबर. तो इसमें क्या है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है. अब इलेक्ट्रॉन तो ठहरा हल्का फुल्का मेरे जैसा, तो इसका तो कोई वजन होता नहीं है. सर डिसाइड करो आपके जैसा है कि विदाउट वेटलेस है, पहना क्या चाहते हो, बराबर है कि नहीं. सो इलेक्ट्रॉन जो होता है, बराबर है, इसका तो नेग्लिजिबल वेट है, तो मेन तो वजन सारा प्रोटॉन का है, ठीक है. तो इसका मास कितना हो गया, 1 हो गया. इधर क्या है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो इसका मास कितना हो गया, 2 हो गया. इसीलिए इसका नाम है ड्यूटेरियम, द्वि मतलब सेकेंड. और यहां पर क्या है, एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका नाम क्या हो गया, ट्रिटियम हो गया. तो 3 हो गया इसके अंदर, ठीक है. तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ओके ठीक है. तो ये हो गया आपका क्या, व्हाट यू कॉल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की मैंने आपको बात करी कि तीन आइसोटोप होते हैं. इन तीनों में जो ट्रिटियम है ये रेडियो एक्टिव है, बाकी रेडियो एक्टिव नहीं है, बराबर. सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटियम पाया जाता है. 99.9% जो भी हाइड्रोजन आपको मिलेगा वो सब क्या होता है, प्रोटियम ही होता है, हाइड्रोजन ही होता है. बहुत कम होता है जो ड्यूटेरियम कहते हैं, और ट्रिटियम बोलेगा तो ये हाइड्रोजन आपका नॉर्मल है. जहां पर भी ड्यूटेरियम आएगा तो उसको आप वर्ड बोलोगे हैवी, क्या बोलोगे, और ट्रिटियम आएगा तो बोलेंगे वेरी हैवी. आया समझ में, तो सर आप ट्रिटियम हो ना, क्या नहीं सर, वो वेरी हैवी वाला बोला तो मुझे लगा ऐसा मैच द कॉलम हो गया. अच्छा मिलो तब बताएंगे, वाइवा के लिए तो मिलोगे, ठीक है. तो ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है, बात दिमाग में चली गई. हाँ हाँ सर एकदम क्लियर हो गया ये. ऑलराइट चलिए, टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन 0.0156% ऑफ ड्यूटेरियम एंड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ एचडी, बराबर है. देखो हाइड्रोजन भी एचडी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बराबर है. एचडी बोलेगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, ऐसा कम रहता है,
हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से जुड़ा रहता है, तो इसको हम कहते हैं एच और डी, समझा? ओके, सो इसके पर अब तक तो कोई सवाल नहीं आया है। ट्रिटियम कॉन्सेंट्रेशन इज अबाउट 1 एटम पर 10^18 एटम, मतलब 10^18 एटम लोगे तो उसमें एक मुश्किल से ट्रिटियम निकलेगा, बोलो। तो ट्रिटियम कितना कम पाया जाता है, ठीक है? और इसके ऊपर तो भाई भर भर के सवाल आए हैं। ट्रिटियम इज अ रेडियो एक्टिव एंड एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल, ये इस बार आया था क्या? आई डोंट नो, हाँ इस बार आया था ना ये ऐसा कुछ इसके ऊपर, पता नहीं आगे पीछे कहीं ना कहीं तो पूछा गया है। ट्रिटियम इज अ रेडियो एक्टिव एंड एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स, ओके। तो लो एनर्जी बीटा पार्टिकल एमिट करने वाला हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है? फिर से ट्रिटियम, बराबर है। और ट्रिटियम की हाफ लाइफ कितनी है? तो 12 साल की है, आया समझ में? हाँ, तो 12 साल का है ये आपका ट्रिटियम, और ये बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, ठीक है? ऑलराइट, फिर ये 1934 अमेरिकन साइंटिस्ट हेरोल्ड यूरी गॉट द नोबेल प्राइज फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटोप विद द मास नंबर 2 एंड फिजिकल मेथड्स एंड दिस दैट, इस पे कोई सवाल आते नहीं है, बराबर है? तो यूरी है, यूरी अटैक है, क्या है, अपने को उससे कोई लेना देना इसमें नहीं है, आया ना समझ में? इस पे है आपकी बुक में दिया, आपको याद करना है तो अभिनंदन, सवाल इसके ऊपर आते हैं। लेकिन सिंस आइसोटोप्स हैव अ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑब्वियसली दे विल हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट देयर रिएक्टिविटी विल डिफर, ओके। तो ओनली डिफरेंस इन देयर रेट ऑफ द रिएक्शन मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे सवाल आते हैं। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी के बारे में और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो ये डिफर करेगा, ओके हमेशा याद रखो। व्हाट्स द डिफरेंस, क्या कहा हमने इसमें कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस है, रिएक्शन सेम है लेकिन रिएक्टिविटी में, तो सर फर्क क्या है? रिएक्शन सेम है, रिएक्टिविटी अलग है, कहना क्या चाहते हो महाराज? बराबर, देखो बड़ा आसान सी बात है, बराबर। महिमा आप अनम्यूट करो बेटा। रिएक्शन और रिएक्टिविटी में क्या अंतर हो गया? नहीं नहीं बता, बता दूं? अभी देखो हाइड्रोजन जो है बेटा, हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। अगर ड्यूटेरियम ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा? हैवी वाटर बनाएगा, लेकिन बनाएगा तो वाटर ही ना। तो रिएक्शन दोनों के सेम हुए कि अलग अलग हुए? सेम हुए। जो काम ये हाइड्रोजन करता है वही ये करता है, लेकिन दोनों की रिएक्शन की जो स्पीड रहेगी वो कैसी रहेगी? डिफरेंट रहेगी। काजल समझ में आया? दोनों की रिएक्शन स्पीड विल बी डिफरेंट, रिएक्शन सेम होगा लेकिन दोनों की रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी, बराबर है? कोई फास्ट रिएक्ट करेगा, कोई स्लो रिएक्ट करेगा। तो मन में सवाल आएगा, सर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम? आया सवाल मन में? उसके लिए अगली स्लाइड देखनी है, पहले ये देखो ये डिफरेंस क्यों है। तो बोला डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, HH का बॉन्ड और DD का बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी में डिफरेंस है। आप देखो यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी डेटा देखो, HH को तोड़ने के लिए आपको 435 की एनर्जी चाहिए जबकि DD को तोड़ने के लिए आपको 443 की एनर्जी चाहिए। तो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा स्टेबल होता है ड्यूटेरियम, समझा? बराबर है। तो दोनों की रिएक्टिविटी में अंतर क्यों है? तो जवाब आना चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है? और आपको एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ, आप कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मेरे को ये पता था दोनों का बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग है लेकिन कंफ्यूज हो गया किसका ज्यादा किसका कम। तो एक ही याद रखो, ड्यूटेरियम में सब ज्यादा है, वजन वजन सब ज्यादा है, क्या बोला उसका? सब ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, सब ज्यादा है। आया समझ में? किसका? ड्यूटेरियम का। आया समझ में? तो यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर आइसोटोप आल्सो डिफर कंसिडरेबली ड्यू टू देयर लार्ज मास डिफरेंस। मास में तो वजन में फर्क रहेगा। ये देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना है, यहाँ पर 13 है, ये 18 हो गया, ये 20 हो गया, देखो कितना अलग है ना, मेल्टिंग पॉइंट सबका कितना अलग है। बॉइलिंग पॉइंट देखो इसका 20 है, इसका 23 है, इसका 25 है,
बढ़ते ही जा रहे हैं, मास बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सिमिलरली डेंसिटी इसका 0.09 है, इसका 0.1 है, डबल डेंसिटी है, आया समझ में? इसका 0.27 है, ट्रिपल डेंसिटी है ट्रिटियम का, आया समझ में? फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करो तो इसका 11.117 है, इसका 0.197 है। तो सर ये डेटा याद करने का है ना जी ना सर, यहाँ डैश क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो इसके सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, ड्यूटेरियम के भी सारे डेटा अवेलेबल नहीं है, हाइड्रोजन तो क्या है मोस्ट कॉमन है तो सब अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है? तो आपको याद से भी इतना रखना होता है कि यहां से यहां सब बढ़ते जाता है, बराबर। अबंडेंस छोड़ के, ऑब्वियसली अबंडेंस में तो हाइड्रोजन ही सबसे ज्यादा है, बराबर है कि नहीं? तो मेनली अगर आप देखोगे तो इनका बाकी जो पैरामीटर है वो सब इंक्रीज होता है। ओके, एटॉमिक साइज नियरली सेम होने के कारण उनका जो क्या बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो सेम है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेटा बाकी सब में दिया हुआ नहीं है, ठीक है? तो आपको मेनली जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसी को लेकर पूछे जाते हैं, इसको लेकर और इसको लेकर, पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट या तो बॉन्ड एंथैल्पी, तो ये आपको कॉमनली याद रखना कि दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। हाँ, तीनों के साइज सेम हो गए ना बेटा, क्योंकि साइज जो है दैट इज नॉट गवर्न्ड बाय न्यूट्रॉन, पर न्यूट्रॉन से साइज में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, न्यूक्लियर साइज में फर्क पड़ेगा, एटॉमिक साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एटॉमिक साइज इज नॉट गवर्न्ड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज गवर्न्ड बाय प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, बराबर है कि नहीं? तो इसके लिए आपके तीनों के जो एटॉमिक साइजेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मैंने ये स्टेटमेंट सिंपल लिख दिया, इंक्रीजेस फ्रॉम प्रोटॉन टू ट्रिटियम, बराबर है? चलिए अभी दूसरा है कि लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस कैसे प्रिपेयर करते हैं, बराबर है? तो लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस कैसे प्रिपेयर करते हैं? कोई भी मेटल को आप एसिड से रिएक्ट कराओगे, बराबर, मेटल को किससे रिएक्ट कराओगे? एसिड से रिएक्ट कराओगे तो इसका क्या बनेगा? Zn और Cl की जोड़ी बन जाएगी, इससे क्या बन गया? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, यस और नो? डिड यू फॉलो? जस्ट अ सेकेंड, हाँ बताइए। जिंक और HCl रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बनेगा कि नहीं बनेगा, बराबर है? अच्छा, सिमिलरली आप कोई भी मेटल को रिएक्ट कराओ, कोई भी मेटल को आप रिएक्ट कराओ, करण, अभिषेक, बराबर है? अभिषेक अनम्यूट करो। अच्छा, आप जानते हो बेटा जिंक और जिंक जो होता है और एल्यूमिनियम जो होता है, ये लोग एम्फोटेरिक होते हैं? यस सर। हाँ, कैसे होते हैं ये लोग? क्योंकि सर ये हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड। नहीं नहीं, एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं ये लोग? एम्फोटेरिक होते हैं। हाँ बराबर, तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो गया ये लोग? सर ये लोग सर एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी। वेरी गुड, ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए जिंक जो है दैट इज रिएक्टिंग विद व्हाट? HCl टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, H2 गैस लिबरेट हो रहा है। वैसे ही जिंक और NaOH आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? देखो सोडियम जिंकेट बना, अभी ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, NTA क्वेश्चन में आ चुका है। तो ये जिंक और NaOH रिएक्ट करेंगे तो उससे क्या बनेगा? A प्लस बी, बी इज अ गैस, तो बी कौन सा गैस हो गया? हाइड्रोजन गैस हो गया। और ए क्या हो गया? तो बच्चे लोग ए में मार खा जाते हैं, तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट, बराबर। अब मुझे बताओ बेटा जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? प्लस टू। तो दो जिंक हो गए तो और ऑक्सीजन की कितनी होती है? माइनस टू। तो दो ऑक्सीजन हो गए तो टोटल कितना हो गया? माइनस टू। माइनस फोर को काउंटर करने के लिए प्लस टू चलेगा कि प्लस फोर चाहिए? प्लस फोर चाहिए ना, माइनस टू वाले दो ऑक्सीजन है तो ये हो गया माइनस फोर, तो उसको काउंटर करने के लिए यूनिट प्लस फोर, तो आपके पास तो एक ही जिंक है, तो साथ में आप दो सोडियम भी डाल दो क्योंकि सोडियम का प्लस वन होता है ना, तो दो सोडियम भी आ गया, तो सोडियम जिंक और ऑक्सीजन, तो इसको नाम दिया सोडियम जिंकेट। बात दिमाग में गई एकदम से, बराबर है? तो सेम वे क्या आप लोग मेरे को ये बता सकते हो एल्यूमिनियम प्लस HCl से क्या बनेगा और एल्यूमिनियम प्लस NaOH से क्या बनेगा, बराबर है? एल्यूमिनियम और HCl से क्या बनेगा? AlCl3
प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेस लिबरेट हो गया। फिर बैलेंसिंग की बातें तो होती रहेगी, मतलब समझ गए ना, बैलेंसिंग की बातें सब होती रहेगी और बैलेंसिंग भी करने के लिए आना चाहिए, मतलब इट इज वेरी सिंपल, बराबर है, सिंपल आप कर सकते हो। अच्छा वैसे एल्यूमिनियम और अन्य अच्छा रिएक्शन होएगा तो ए प्लस बी मिलेगा, बी क्या रहेगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस रहेगा, और ए क्या रहेगा, जैसे इसका बना सोडियम सोडियम जिंक के, सर इसका तो इसका क्या बनेगा, सोडियम सोडियम, एल्यूमिनियम है। वेरी गुड, आप कैसा लॉजिक बेटा, यस तो सर, चीजें अगर लॉजिकली ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगी, लेकिन याद भी करनी पड़ेगी, लेकिन लॉजिकल होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमने दे दिया। शिवशंकर समझ रहे हैं बेटा, ओके, तो इसका क्या आएगा, सोडियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, बराबर, सोडियम एल्यूमिनेट का क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो ऑक्सीजन तो आपको ऐसे चाहिए, एक ऑक्सीजन का बेटा कितना था, सर एक ऑक्सीजन का -2, -2 था, तो दो का कितना हो गया, -4, तो काउंटर करने के लिए आपको कितना चाहिए, सर एक Na हो जाएगा और Al का -3 होगा, हाँ आपको काउंटर करने के लिए +4 चाहिए। अब एक एल्यूमिनियम आपको पता है कि +3 लेके आता है, तो आप एक ही सोडियम लोगे ना, एक ही सोडियम लेंगे सर, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NaAlO2, यस समझा, ये फॉर्मूला अगर आप समझ के करोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं समझा रहेगा तो आप ऐसे ही सोचते रहोगे यार सर फॉर्मूले याद ही नहीं आते, ये वाले कुछ पूछते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, तो गड़बड़ का सवाल ही नहीं, समझ के करो उसको, ठीक है, बराबर, लेकिन समझ के फिर याद भी करो, ठीक है, तो NaAlO2, यस कानन बेटा, हाँ जरूर, ये देखो मैंने क्या कहा, जैसे ये आपका ये ZN जो है और ऑक्सीजन जो है, बराबर, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, आप रीजन रखो बेटा कानन, एक मिनट के लिए रीजन रखो तो इंटरेक्ट कर पाएंगे अच्छे से, हाँ, तो ऑक्सीजन के ऊपर बेटा -2 की चार्ज होती है, अपने को पता है पक्का, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन पता है ना, 2.6, बराबर, तो उसको दो की जरूरत होती है, दो लेता है वो, तो एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो गया, तो हमेशा याद रखो जितना नेगेटिव होता है उतना आपके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो ही कंपाउंड बनेगा ना, बैलेंस नहीं बनेगा नहीं तो, तो -4 को काउंटर कौन करेगा, +4, तो हमारे पास तो जो जिंक है उसके ऊपर तो +2 का ही चार्ज है, तो और +2 आपको चाहिए ना, तो सोडियम ले लो, सोडियम के ऊपर तो +1 की चार्ज होती है, बराबर, तो कितने सोडियम लेने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे 2, बराबर, तो Na2ZnO2 बिकम्स अ फॉर्मूला फॉर सोडियम जिंकेट, बराबर, और सोडियम ही क्यों लिया, पोटेशियम क्यों नहीं लिया, तो भाई आपने लिया ही सोडियम है तो सोडियम ही मिलेगा, बराबर है कि नहीं, और अच्छा सेम वे अगर आप, मैं बात करूं किसके बारे में, एल्यूमिनियम प्लस NaOH के बारे में, इससे क्या बनना चाहिए, तो एल्यूमिनियम और Na का क्या जोड़ी बनेगा, NaAlO2, बराबर, अभी NaAlO2 ये फॉर्मूला कहां से आया, तो सेम वही लॉजिक है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 की चार्ज है तो दो ऑक्सीजन का हो गया -4, काउंटर करने के लिए कितना चाहिए +4, एल्यूमिनियम का +3 तो ऑलरेडी है, तो बचा क्या है, एक ही बचा है ना, एक ही है सोडियम, Yes or no? तो इस तरह से NaAlO2 फॉर्मूला बना, ऑलराइट, ओके, चलिए सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट, ऑलराइट, तो हाइड्रोजन गैस की बबल्स निकलेगी एंड व्हाट यू विल हैव इज अ हाइड्रोजन 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 गैस की बबल्स यहाँ पर जमा हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस जमा होगा, ठीक है, कैन यू सी हियर दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल के साइज में फर्क है, दोनों के गुब्बारे के साइज में फर्क है, शिवशंकर दोनों का गुब्बारा अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बराबर, किरण बेटा ये बता सकते हो कि दोनों का गुब्बारे की साइज अलग अलग क्यों है, सर ये हाइड्रोजन है लाइट, नहीं तो इससे क्या फर्क पड़ता है, सर आपने एक्सपेरिमेंट जो किया था हाइड्रोजन नहीं, ऐसा नहीं, देखो मैं आपको समझाता हूँ, इसके लिए आपको है ना रिएक्शन देखना पड़ेगा और थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो कैन आई राइट 2H++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2, इज दैट करेक्ट, यस यस, बराबर, सिमिलरली 4OH- विल गिव यू O2+2H2O+4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसका रिएक्शन है, बराबर है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो दैट मींस 2 मोल इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस 1 मोल हाइड्रोजन, डू यू अग्री, यस सर, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन, और बना कितना ऑक्सीजन, 1,
कहना है ऐसे 4 मोल इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑक्सीजन, या आप ये कह सकते हैं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस ओनली हाफ मोल ऑक्सीजन, बराबर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन प्रोड्यूस 1 मोल है, लेकिन यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हाफ मोल है, दैट मीन्स हाइड्रोजन डबल बनेगा और ऑक्सीजन एग्जैक्टली उसका आधा बनेगा, बराबर है। क्योंकि आप समझ गए दोनों के चार्जेस में अंतर है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 की चार्ज होती है, ऑक्सीजन में -2 का चार्ज, बराबर। तो इसको लिबरेट कराने के लिए जितनी ताकत लगेगी, बराबर, उससे आधी ताकत ही हाइड्रोजन के लिए लगती है। तो 100 रुपए में हाइड्रोजन आपको 1 किलो मिलेगा, तो ऑक्सीजन आपको 100 रुपए में आधा किलो ही मिलेगा, आप ही मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है मोल्स में, ग्राम में नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, मोल्स में। अगर आपको हाइड्रोजन यहाँ पर कितना मिला है, 1 मोल, तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा, हाफ मोल। अगर आपको ये मिला है, मान लीजिए 100 लीटर हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा, 50 लीटर। अगर ये आपको मिला है 100 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा, 50 ग्राम। नहीं, ग्राम में नहीं बोल सकते बेटा, ग्राम में कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं। अच्छा, 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब होता है, देखो जब ये 1 मोल मिलेगा तो कहना है इसे ऑक्सीजन आधा मोल मिलेगा, ये बात सही है। अभी 1 मोल हाइड्रोजन की वजन कितनी होती है, 2 ग्राम होती है, हाइड्रोजन का मास है ना, तो हो गया 2 ग्राम। जबकि ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का हो गया 32, तो 32 ग्राम मतलब 1 मोल, तो हाफ मोल मतलब कितना हो गया, 16 ग्राम, ठीक है ना। ग्राम में दोनों अलग अलग है बेटा, आप समझे, ग्राम में दोनों अलग अलग है, तो इसको मास डिफरेंस है ना, हाँ सर, मास डिफरेंस उसका दोनों का अलग है ना, एटॉमिक मास अलग है। यहाँ पर मोल्स में हम कह सकते हैं, यदि ये 1 मोल रहेगा तो ये आधा मोल ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उनके चार्जेस अलग अलग है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ये बात ध्यान रखें, प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता। आपको यदि इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है तो या तो आपको लेना होगा एसिडिफाइड वाटर, या तो आपको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन वाटर, मतलब OH- जिसमें डाला हो, NaOH KOH डाला हो, तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं तो नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, कैथोड पर हाइड्रोजन आएगा, एनोड पर ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, कैथोड पर हाइड्रोजन आएगा, एनोड पर ऑक्सीजन आएगा, लॉजिकल है, हाइड्रोजन कटायन है और कटायन कैथोड पर ही जाता है, ऑक्सीजन बराबर है, कटायन कैथोड पर गया, अनायन एनोड पर गया, और हाइड्रोजन जो मिलेगा वो डबल द वॉल्यूम मिलेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, वॉल्यूम में डबल है, मास में आप कंपेरिजन नहीं, ठीक है। पर सर मास में ऐसा सवाल आया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले है ना, हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ हमें सिर्फ बेसिक चीज को समझना है, ठीक है, ऑलराइट। चलिए उसके बाद अल्कलाइन वाटर के अंदर अगर आप बेरिटा वाटर लेते हैं, बेरिटा वाटर मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला पानी, इसको कहते हैं बेरिटा वाटर, बेरिटा वाटर। यदि आप बेरिटा वाटर लेते हैं तो आपको जो है हाई प्योरिटी ऑफ डाइहाइड्रोजन बनती है। तो इसके ऊपर नीट में स्ट्रेट सवाल आता है कि हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय व्हाट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विद द निकल इलेक्ट्रोड्स एज इट इज, आपको याद करना है, इसमें कोई आपको सोचना नहीं, समझना नहीं, बराबर, कोई दुख लेना नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है हाई प्योरिटी हाइड्रोजन गैस मिलेगा तो बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का निकल प्लेट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला है केमिकल, सॉरी, अगला है अगेन इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ये देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूं, अब हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस NaCl का, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, बराबर। तो हमारे पास में क्या है, कैथोड है, एनोड है, बराबर है, ठीक है। अच्छा अभी NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो Na प्लस है, Cl माइनस है, बराबर है, सारा बेटा अनम्यूट करो। अब ये बताओ Na प्लस और Cl माइनस में ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया, ठीक है, तो कैथोड पर कौन जाएगा, सोडियम की क्लोराइड, सर ऑन कैथोड, कैथोड पे कौन जाता है, कटायन की एनायन, सर कटायन, बराबर है, तो कटायन इनमें कौन है, Na+ की Cl- Na+,
बराबर है, तो पुनीत बताओ कौन जाएगा, एन ए प्लस जाएगा कि सी एल माइनस जाएगा? अरे एन ए प्लस जाएगा। वेरी गुड, और आपने ये तो देखा ही नहीं पुनीत। अच्छा हाँ सारा, ये एक्वस NaCl है, मतलब इसमें H प्लस और OH माइनस भी था, इसकी ओर हमारी नजर नहीं गई। आपको ये मोल्टेन रहता है कि अब हमारे पास में Na प्लस भी और H प्लस भी है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है इनमें से? सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, तो कंपैरेटिवली तो कौन डिपॉजिट होगा अभी कैथोड पर? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा। ओके, Na प्लस और H प्लस में H प्लस जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, यस नाउ सेम वे, सेम वे Cl- और OH- के अंदर Cl- विल गेट डिपॉजिटेड, व्हाट विल गेट डिपॉजिटेड? क्लोरीन यहां पर डिपॉजिट हो गया, हाइड्रोजन यहां पर, तो पुनीत बचा क्या हमारे पास में? सल्फर क्या बचा? सोडियम आयन बचा और OH OH- आयन बचा, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये NaOH की लार्ज स्केल प्रिपरेशन है। फातिमा भेजे में जा रहे हैं सर, जग्ञात क्षेत्र में चिंता जी नहीं करो। ओके बराबर है कि नहीं? तो NaOH अपने को मिला, तो ये NaOH का लार्ज स्केल प्रिपरेशन है, बराबर है। तो आपको कोई बोले कि ये NaOH जो होता है ये लार्ज स्केल पे कैसे बनाते हैं, तो बोला है कुछ नहीं, परिमल सर की लैब में जाओ, डब्बा उठा लो तो लार्ज स्केल में आपको मिल जाएगा। ऐसा ये ऐसा है जा? नहीं ना, तो लार्ज स्केल प्रिपरेशन कैसे करेंगे? नमक के पानी से, नमकीन वाटर से। अगर समंदर के पानी को क्या करो, इलेक्ट्रोलाइज आपको NaOH मिल जाएगा, ठीक है? और वो NaOH लार्जली यूज होता है, पता है ना? हाँ, सबसे NaOH का तो लार्ज स्केल एप्लीकेशन है, बराबर है। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि NaOH जो है ये आपका डिपॉजिट हो गया, सॉरी बच गया। तो NaOH की लार्ज स्केल प्रिपरेशन जब हो रही थी तो कैथोड पर कौन सी गैस मिली दिशा? कैथोड पर कौन सा गैस मिला हमको? और एनोड पर कौन सा मिला? और सॉल्यूशन में क्या मिला? बराबर। तो कहना है से ये एक एक तीर में तीन शिकार है, दीपिका एक तीर में तीन शिकार है। कैसे एक तीर में तीन शिकार हुआ इसे? नहीं समझा सवाल, कोई बात नहीं है, बराबर है। एक तीर में तीन शिकार कैसे हुआ अपने को बताओ? हिमांशी आप बताओ बेटा। सर क्लोरीन हाइड्रोजन गैस और NaOH तीनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, क्लोरीन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, NaOH भी मिलेगा, ठीक है। ये लार्ज स्केल प्रिपरेशन तीनों के लिए है, तो यहाँ पर वही जिक्र करा है कि इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन मतलब क्या होता है? NaCl। ओके, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द रिएक्शंस आर व्हाटएवर, हम लोग कोई ज्यादा जूस नहीं है, हमको सिर्फ इतना समझ में आ गया कि जो आपका कैथोड रहेगा उस पर आपका हाइड्रोजन गैस आया है, जो आपका एनोड है उसमें क्लोरीन गैस आया है, और जो लास्ट में बच गया वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। समझ में आया कि मगज में भी गया है ना? बहुत इजी। चलिए अभी अगला जो है इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सवाल आते हैं, ये है आपका लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। तो ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, वाटर गैस रिएक्शन एंड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, बराबर है? इसके ऊपर सवाल आते हैं तो इसको अच्छे से समझ के लीजिए, ठीक है, कि वाटर गैस क्या है। ये वाटर गैस का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर का मिक्सचर। फिर से बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर, बराबर। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस एच टू, सीओ प्लस एच टू इज कॉल्ड एज व्हाट? वाटर गैस। चाहिए तो आप अपनी बुक में ऐसा लिख के रख सकते हैं, बराबर, सीओ प्लस एच टू माने वाटर गैस, या तो इसको क्या कहते हैं, सिन गैस, ठीक है। सिमिलरली सीओ प्लस नट टू
दिस इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस, बराबर है। ये आपके बुक में कॉमनली एक्सप्लेन किया है, तो इसको ऊपर खास ध्यान दीजिए। CO प्लस एच टू, ओके, तो CO प्लस एच टू, CO प्लस एच टू इसको हम क्या कहते हैं, इस मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं, और CO प्लस एन टू को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। ओके, कम बैक। तो ये CO प्लस एच टू का जो फंडा है, ये कैसे प्रिपेयर होता है? बोला कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है, ये कैसे प्रिपेयर होता है? तो बोला कोई भी आपके पास में हाइड्रोकार्बन रहेंगे, उसके ऊपर से स्टीम पास करने का, क्या पास करने का? स्टीम, बराबर है, गर्मा गर्म हवाएं 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 ले जाने जाने कहां, हवाएं हवाएं ले जाने जाने कहां, न मुझको खबर, यही बनेगा, मुझको सब खबर है। क्या बनेगा? सिंगैस बनेगा, CO प्लस एच टू, याद रहेगा पक्का। यस शिवशंकर, CO प्लस एच टू इज व्हाट? इट इज अ सिंगैस। ओके, कैसे बनेगा? हाइड्रोकार्बन के ऊपर से स्टीम को पास करो, किसके? हाइड्रोकार्बन के ऊपर से स्टीम को पास करने का। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक निकल एंड 1270 केल्विन टेम्परेचर। ठीक इज द, व्हाट इज द, क्लियर इज द? ओके, चलिए अभी सिमिलरली आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हो। देखो यहाँ पर एक कॉमनली बताया CnH2n plus 2 लोगे तो n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूज होएगा और आपको n कार्बन मोनोऑक्साइड और 2n plus 1 हाइड्रोजन मिलेगा, तो मिलेगा ही ना, वो तो ऑब्वियस है, आप नीचे वाले में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो, सो दिस इज इंपॉर्टेंट और कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, 1270 केल्विन निकल कैटलिस्ट एज इट इज आपको याद करना है। ठीक है, mixture of carbon monoxide and H2 is used as a water gas. As a mixture of carbon monoxide and hydrogen is used for the synthesis of methanol and number of compounds, it is called as what? Syngas. समझ में आया? ठीक है, चलिए चारों method of preparation को recap लीजिए। राइट, सॉरी फॉर द इंट्रक्शन। ओके, सो ये वाटर गैस सिंगैस का फंडा क्लियर हो गया। अभी आपको सिंगैस बनाना है तो डायरेक्टली आप कोयले से भी बना सकते हो। किससे बना सकते हो? कोयले से। जैसे यहां पर क्या था, हाइड्रोकार्बन के ऊपर स्टीम पास किया हमने, सेम यहां पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, कार्बन के ऊपर स्टीम पास कर देंगे कोयले के ऊपर, तब वो आपको क्या मिलेगा, CO प्लस एच टू मिलेगा, और इस रिएक्शन को कहते हैं कोल गैसिफिकेशन, बराबर है। क्या कहते हैं? कोल गैसिफिकेशन, बराबर। ऐसा क्यों नाम दिया सर, कोल गैसिफिकेशन? अरे क्योंकि पहले वो कोल सॉलिड था, वो गैस बन गया, देखो। अरे हाँ सर, ये तो कोयला गैस बन गया, वेरी गुड, इसलिए इसका नाम क्या है, कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, अभी क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में जो क्या बोलते हैं, ये जो वाटर गैस बना है, ठीक है, बराबर, वाटर गैस बना है, तो उसमें आपको क्या करना है, माही का आप अनम्यूट करो बेटा,
हाँ वही का हम लोग क्या चाहते हैं कि कार्बन मोनोक्साइड चाहिए ही नहीं, अपने को सिर्फ हाइड्रोजन ही चाहिए, तो क्या करेंगे? तो सर हम लोग ने कहा जब बनेगा तो दोनों अलग अलग डब्बे में चले जाना, भेगा भेगा मत रहना, ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। दोनों मिक्सचर में ही आ रहे हैं बराबर। तो हम क्या करते हैं CO प्लस H2 का जो ये मिक्सचर है ना, इसके अंदर और स्टीम पास करते हैं। क्या करते हैं? और स्टीम पास करेंगे, मतलब ऑलरेडी हमने ये तो बना दिया, इसके अंदर और स्टीम पास करने का। और स्टीम पास करोगे तो क्या होता है, जो CO है ना उसका बन जाता है CO2। क्या बन जाता है? CO2 बराबर। आप ही देखो ये CO प्लस H2O रहेगा तो CO ने और एक ऑक्सीजन ले लिया, तो इसको क्या बन गया? CO2 बन गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। ठीक है, तो कहना इसे आपको और नया हाइड्रोजन गैस मिला। हाँ। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने की मेरे पास में तकनीक है बराबर, इस मछली को मैं पकड़ सकता हूँ। यस, KOH इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या बात है महिका, वेरी गुड। ठीक है, तो KOH इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके पास में हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ी कि घट गई? बढ़ी। तो इसको कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बराबर। इसको क्या कहते हैं? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, उसको ऐसा शिफ्ट बोला हमने। हाँ तो सर और शिफ्ट हो रहा है ना, मतलब इट इज मोर शिफ्टिंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाँ हाँ इसके लिए। ओके, तो द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज बाय रिएक्टिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिंगल गैस मिक्सचर विद मोर स्टीम, और स्टीम पास करो इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट्स बराबर है एट 673 केल्विन। देखो अभी इसमें जो है यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर देखो तो 1270 है और यहाँ पर आप देखो तो टेम्परेचर 673 केल्विन। अभी इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, मैं आप सभी को समझाता हूँ, ओनली स्मार्ट स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड, कोशिश करो। यहाँ पर क्या बन गया, इसका CO2 बन गया और हाइड्रोजन लिबरेट हुआ। ठीक है, ओके, इतना तो समझ में आया। ये वॉटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है, समझ में आया सभी को? वॉटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होता है, करण क्या होता है? पहले कोयला लिया, कोयले के ऊपर स्टीम पास किया तो हमें क्या मिला? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिला। फिर क्या किया हमने, इस मिक्सचर के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको और स्टीम पास किया, और स्टीम दिया, और स्टीम दिया तो क्या होएगा? CO2 बन गया और H2 बन गया। अभी यहाँ 1270, यहाँ 673 है बराबर है कि इन दोनों के अंदर टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये स्मार्ट बच्चों को समझेगा। ठीक है, बराबर है कि नहीं? अरे नहीं नहीं कुशल आप में एक सेकेंड, कौन मुझे इसका लॉजिक बताएगा पहले ये बताओ। नमस्कार, हाँ मोंडल आपको पता है क्या? रुष्टि, दीक्षा, गोपी, सभी को वीडियो ऑन रखना है। कनीज, कनिष्का, रितिका, अभी ये सब बच्चे नहीं अभी, हाँ आप लोग को बोलना नहीं पड़े। हाँ चलो श्रेयस आप बताओ, कुछ कुछ याद करो। वेरी गुड दिशा आपने, यस पुनीत, वेरी गुड, गुड कनेक्शन। दीक्षा आप भी ट्राई कर रहे थे, बताओ। सर पहले कार्बन सॉलिड में, हाँ समझा समझा, ओके आप म्यूट हो गए बट कोई बात नहीं, आपकी बात में थोड़ी थोड़ी समझा बराबर है। सर इलेक्शन में है 11:40, 11:45 के बाद में बात करेंगे। हेलो हेलो सर, कार्बन को भी गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी लगी, तो फिर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी गैस फॉर्म में है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी? नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये उसके पीछे का नहीं। पुनीत आप प्रेजेंट करो, आप प्रसंग, आप प्रजित आप बोलो। प्रजित आपको भी आते तो आप भी बोलो। यस शिवशंकर सर, इसमें कैटलिस्ट यूज किए इसलिए। चलो एक एक सही है, कैटलिस्ट यूज किया, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी हम लोग निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट यूज करते हैं। सो ये आपका सोचना सही है कि कैटलिस्ट जब यूज करते हैं तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट घट जाती है, दैट इज परफेक्ट, बट इसके पीछे एक और एक कारण है। ठीक है, यस प्रजीत आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या पुनीत से रिव्यू लेता हूँ मैं? वॉइस इज नॉट ऑडिबल प्रजीत,
ओके पुनीत कैन यू सर मतलब वो कार्बन जो रहता है वो ये हाई टेम्परेचर पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा लो टेम्परेचर पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है एलिंगम डायग्राम की तरह. सुपर्ब एलिंगम डायग्राम इज द आंसर इज द बराबर है. बच्चों हमेशा याद रखो कि हायर टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और लोअर टेम्परेचर पे CO2 बनता है. बराबर है आप समझे. अभी मान लीजिए अच्छा परजीत आप वही बोले थे वेरी गुड. आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी लेकिन आप भावना पूछ रहे वेरी गुड. अभी देखो एलिंगम डायग्राम जो आप में से हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो या याद ना हो ठीक है. मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कि मैं का आप अनम्यूट करो बड़ी मजेदार बात समझा रहा हूँ ध्यान से सुनो. आपको एलिंगम डायग्राम का ये फंडा याद है कि हाई टेम्परेचर पे CO बनता है लो टेम्परेचर पे CO2 बनता है या नहीं याद है तो ना बोल दो नहीं याद है ठीक है. हाँ तो ये एलिंगम डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही है कि हाई टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा लो टेम्परेचर पे CO2 बनेगा. अभी इसको कई बार बच्चे भूल जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं. सनी का याद रखना कितना आसान है सुनो. मुझे बताओ कि हम लोग जब ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल करते हैं तो हम लोग के अंदर का ग्लूकोज को जला रहे हैं क्या बॉडी में. क्या ग्लूकोज जलता है क्या. नहीं अच्छा ग्लूकोज नहीं जलता तो क्या जलता है. खेलकूद के लिए थोड़ी जा रहे हो बराबर है. ऑक्सीजन जाएगा और किसको जलाएगा. ग्लूकोज. तो ग्लूकोज को जलाने पर क्या बनता है. कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन क्या बनता है. डाइऑक्साइड बनता है. तो क्यों ऐसा. क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 310 केल्विन है विच इज लेस देन 1000. 1000 केल्विन के नीचे जब भी आप रहोगे तो किसी भी चीज को जलाने पर CO2 बनेगा. लेकिन 1000 केल्विन के यदि आप ऊपर चले जाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन इज मोर फेवरेबल. बराबर है. बराबर है समझ में आया. तो मान लीजिए हमारे पास में एक ग्रह है नया कोई प्लैनेट है एंड दैट प्लैनेट इज इवन हॉटर देन अस. बराबर है कि नहीं. वहां पर टेम्परेचर हमारे से भी ज्यादा है यहाँ से भी बहुत ज्यादा है और भगवान ने आपको ऐसी ताकत दे दी है कि आप उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हो. बराबर. वहां का टेम्परेचर है 1500 केल्विन. कितना है अभी 310 केल्विन है. आप 1500 केल्विन में भी जिंदा हो लेकिन उस वक्त में जब आप कपालभाति करोगे ना तो कौन सी गैस बाहर आएगी. कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड. देर यू आर. अब दिमाग में बैठ गया आपके. हाई टेम्परेचर पे हमेशा क्या बनेगा. कार्बन मोनोऑक्साइड. और लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा. कार्बन डाइऑक्साइड. बात बैठी दिमाग में. अब जरा इधर देखो इसको. अब देखो इसको. अब कनेक्ट हो रहा है कुछ. हाँ अब ये चीजें क्या होती है. पढ़ते वक्त बच्चे ऐसी चीजें कंपेयर नहीं करते दिमाग में बिठाते नहीं है और बोलते हैं सर हमको टेम्परेचर याद करना पड़ रहा है रटना पड़ रहा है. ऐसा एग्जाम में वो लोग क्यों पूछते हैं. बराबर. तो इसीलिए पूछते हैं. तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप में रहेगी ना तो आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेगी. बराबर है. वो रिएक्शन की कृपा अपने आप आपके ऊपर बरसेगी. क्या कृपा है कि नहीं. हाँ सर एकदम साचो के बच्चा. हाँ बराबर है कि नहीं. तो आपको समझ के याद रखना है कि हाई टेम्परेचर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा. बराबर. तो कोल गैसिफिकेशन का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है. बराबर है. तो बराबर. ओके चलिए. प्रेजेंटली 77% ऑफ इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल 18% फ्रॉम कोल 4% बाय इलेक्ट्रोलाइसिस. मतलब मेजरली अपने को किससे मिलता है. ये वाले रिएक्शन से मिलता है. चार नंबर वाली प्रोसेस. पेट्रोकेमिकल में आप स्टीम का इस्तेमाल करो. 18% कोल वाले से मिलता है. कोल गैसिफिकेशन से मिलता है. बराबर है. और 4% इलेक्ट्रोलाइसिस. एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा ना कि मेजर हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है. पेट्रोकेमिकल से मिलता है. ठीक है ना. क्योंकि वही सबसे सस्ता रास्ता है. नहीं तो फिर आपको वही क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस में तो खर्चा तो बैठेगा ना. मुफ्त में थोड़ी आएगा. तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और खर्चा करो. तो कुल मिला के हाइड्रोजन महंगा पड़ता है. तो आपको सबसे सस्ता किधर मिले. बोले पेट्रोल से. पेट्रोल डीजल ही अपने को जो मिल रहा है वही है. ठीक है. चलो
अभी हम बात करते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन है इट इज हाईएस्ट फॉर द सिंगल बॉन्ड, बराबर सिंगल बॉन्ड के लिए हाईएस्ट सबसे ज्यादा वाला जो कहते हैं ना। अब बीआर बॉन्ड को थोड़ा 192, क्लोरीन क्लोरीन 242, ये सब का वैल्यू देखो, और आप एचएच बॉन्ड का अगर वैल्यू देखेंगे सो दैट इज इवन हायर, बराबर एचएच बॉन्ड का कितना था 436, बराबर है। तो सर उसके नीचे भी तो बाकी लोग हैं ना, अरे महाराज वो सेम वाला एलिमेंट नहीं है, देखो एक ऑक्सीजन एक एच है, मैं सेम सिम की कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, सीएल सीसी बीआर ऐसा सिंगल बॉन्ड आप कंपेयर करो ठीक है, और आप इधर इनको तो देखो ही मत क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल ट्रिपल को तो ज्यादा ही एनर्जी लगती है भैया, है कि नहीं। तो सिंगल बॉन्ड में अगर किसी को ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ ना इनको ही कंपेयर करना है आपको सिर्फ, है ना, बॉक्स के उनको कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा हाँ यार सिंगल बॉन्ड के लिए तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। तो एचएच बॉन्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगती है, इसमें लगती है ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इट्स एटम इज ओनली 0.081% एट अराउंड 2000 केल्विन, मतलब 2000 केल्विन तक भी गर्म करोगे तो भी सिर्फ 0.081% हाइड्रोजन ही डिसोसिएट होगा, बाकी टूटेगा नहीं, मतलब सोचो हाइड्रोजन कितना टेम्परेचर झेल सकता है ठीक है, बराबर है। और 5000 केल्विन तक जब गर्म करोगे तब जाके 95% ऑफ हाइड्रोजन गेट्स डिसोसिएटेड, नहीं तो तब तक ही डिसोसिएट होता नहीं है। ऑल्सो इट इज रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, जल्दी वो रिएक्ट नहीं करता है ड्यू टू हाई एचएच बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब आपने देखा उसको जलाएंगे उसके बाद वो रिएक्ट करेगा, तब तक वो जलेगा नहीं, अपने आप कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, हवे में हाइड्रोजन है वो घूमता रहेगा, अब हवे में हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो क्या दिन भर टकरा के बारिश गिरता है क्या, नहीं हवे में हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, है ना, हवे में ऑक्सीजन है कि नहीं है, है ना, तो क्या दिन भर ये लोग टकरा के क्या बरसात पड़ता है क्या दिन में घर पे, नहीं ना दिन में घर पे बरसात नहीं पड़ता है, क्यों ये लोग टकराते तो है लेकिन रिएक्ट करते, रिएक्ट करने के लिए आपको पुराने बॉन्ड तोड़ने भी तो पड़ेंगे ना, तभी तो नए बॉन्ड जोड़ोगे भैया, जब तक पुराने बॉन्ड तोड़ोगे नहीं तो नए बॉन्ड जोड़ोगे कैसे। तो हवे वाला जो हाइड्रोजन है वो ऑलमोस्ट इनर्ट है, जल्दी रिएक्ट करता नहीं है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। Thus, atomic hydrogen is produced at a high temperature using electrical arc under ultraviolet radiation. मतलब आपको high energy radiation या तो electricity का इस्तेमाल करके आपको atomic hydrogen बनाना होगा। What is atomic hydrogen? इस dihydrogen को आप तोड़ दो तो जो बना इसको आप क्या कहते हैं, atomic hydrogen। बैठा दिमाग में ठीक है, चलिए अभी hydrogen का क्या reaction है, तो with halogen it forms halides, with oxygen it forms water, with nitrogen it forms ammonia, this is Haber's process, simple hai, tino bahut easy hai, you don't need my assistance, okay। Reaction with the organic compound, barabar hai, the hydrogenation of oil that I've already spoken about, oil ka fat ban jata hai, tel mein se ghee banane ki process hydrogen dal ke ki jati hai, barabar hai, are sahi hai na, sahi hai to mundi hila diya karo, haan sir barabar bol rahe ho, theek hai। Agla hai hydroformylation, kya hai हाइड्रोफॉर्मिलेशन, बराबर है। अभी हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड करना, बराबर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड करना, और फॉर्मिलेशन मतलब सनी दीपिका व्हाट डू मीन बाय फॉर्माइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, वेरी ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, बराबर है। तो व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोफॉर्मिलेशन, उसमें हाइड्रोजन ऐड करो फॉर्मल तो अल्कोहल बन जाएगा, ना ना ना, कंपाउंड में हाइड्रोजन और फॉर्मल ग्रुप दोनों ग्रुप को ऐड करना, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफॉर्मिलेशन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफॉर्मल, किसको हाइड्रोफॉर्मिलेशन बोलते हैं, एल्डिहाइड में एच, एल्कीन में, अल्कीन में बेटा, अल्कीन में एल्डिहाइड और हाइड्रोजन दोनों ग्रुप को ऐड करना, हाइड्रोजन ऐड करना मतलब हाइड्रोजन, फॉर्माइल ग्रुप ऐड करना मतलब फॉर्मिलेशन, यहाँ पर हम दोनों कर रहे हैं ना, इसके लिए प्रोसेस का नाम क्या है, हाइड्रोफॉर्मिलेशन। व्हाट इज हाइड्रोफॉर्मिलेशन, हाइड्रोजन और फॉर्माइल ग्रुप दोनों को ऐड करना ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये आपका अल्कीन है, बराबर, ये क्या आपका अल्कीन है, अल्कीन का डबल बॉन्ड आपने तोड़ दिया,
बराबर, उसकी जगह पे आपने क्या इंट्रोड्यूस करवाया इसमें, देखो आप ही देख लो, सी एच ओ ग्रुप भी आ गया, एक ग्रुप पहले नहीं था, चेक करो पहले नहीं था, और इसको यहाँ पर एक ही एच था, वहां दो एच हो गए अभी, तो एक को एच मिल गया और एक को एच सी ओ मिल गया, ये देखो एच टू प्लस सी ओ बोलेगा तो एच प्लस एच सी ओ, बराबर है कि नहीं, एच सी ओ बोलो सी एच ओ बोलो बात तो एक ही है, तो फॉर्माइल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप जो है इसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन। फिर ये जो अल्डिहाइड बना है, अगर इसको फर्दर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज भी जानते हैं दे विल टर्न टू द प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है कि नहीं बनता है? हाँ बनता है सर, है क्या बनता है, बनता है, ठीक है, ओके। करण समझ में आ रही है, इधर सुदीप्ता, चार्मी, ऑलराइट, चलिए ओके। तो ये आप हाइड्रोफॉर्मेशन भी अच्छे से याद करेंगे, मैं वाइवा में खास पूछूंगा हाइड्रोफॉर्मेशन रिएक्शन बताओ उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो आपको बोलना चाहिए उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वाटर गैस यूज करेंगे। देखो अरे हाँ अरे तो सर वाटर गैस है, हैप्पी रियलाइजेशन, ये वाटर गैस है ना, सिन गैस एच टू प्लस सीओ। चलिए सिमिलरली रिएक्शन विथ मेटल, मेटल और अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्राइड बनेगा, बराबर, मेटल प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड। ठीक है चलिए, तो मेटल हाइड्राइड बनेगा, और उसी तरह से देखो ये जो हाइड्रोजन है, बराबर है, अभी ये देखो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, थोड़ी 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 याद है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एसआरपी सीरीज, बराबर है। कुशल अनम्यूट करो, जोर से बोलना भाई। यस सर, यस सर, हेलो, हाँ ये हुई ना बात। तो इसमें जो आपका प्रोसेस था ना, यस, एसआरपी के अंदर आपको मैंने बताया था कि जो बीच में रहता है वो कौन है, अपना हाइड्रोजन है, पता है बीच में हाइड्रोजन होता है। हाँ, ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल की लेस रिएक्टिव मेटल, नीचे मोर रिएक्टिव और ऊपर लेस रिएक्टिव, भगवान वाले मेटल ऊपर रहते हैं। हाँ, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब भगवान वाले मेटल होते हैं ना। हाँ, बराबर है कि नहीं, अरे ऐसा और हाँ बराबर है कि नहीं। हाँ, तो भगवान वाले जो भी मेटल है, कॉपर, प्लैटिनम, गोल्ड, कहाँ पर है, हाइड्रोजन के ऊपर, और ज्यादा रिएक्टिव मेटल किधर है, नीचे होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब कहाँ होता है, हाइड्रोजन के नीचे होते हैं एसआरपी सीरीज में। इनको नहीं याद है वो एसआरपी सीरीज, आज देख लेना एक बार, खाली सीरीज तो देखना, याद मत करो लेकिन सीरीज देख तो लो कि कौन नीचे है कौन ऊपर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन किधर है, बीच में, मोर रिएक्टिव मेटल किधर है, नीचे, और लेस रिएक्टिव मेटल किधर है, ऊपर है। अभी हाइड्रोजन जो है वो किसको डिस्प्लेस करेगा, ऊपर वालों को डिस्प्लेस करेगा कि नीचे वालों को डिस्प्लेस करेगा, ऊपर वालों को डिस्प्लेस करेगा। यस, हमेशा याद रखो, मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, क्या बोला, मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, हाँ, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वालों को डिस्प्लेस करता है, कर सकता है, बराबर है कि नहीं। तो कोई भी नीचे वाले एलिमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, अभी आपने देखा क्या देखा, ये देखा कि जिंक पाउडर जो था, बराबर है, इसने क्या किया, HCl में से H को हटा दिया और खुद जाके बैठ गया उधर, बराबर है कि नहीं। तो हाइड्रोजन को उसने डिस्प्लेस करा कि नहीं करा, करा, बराबर है कि नहीं। तो जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बट इफ आई हैव ZnCl2 एंड आई पुट हाइड्रोजन इनसाइड, कैन हाइड्रोजन डिस्प्लेस जिंक, नो, करण, कैन हाइड्रोजन डिस्प्लेस जिंक, नो इट कैन नॉट, बराबर है। तो सिमिलरली कैन हाइड्रोजन डिस्प्लेस, अगर मेरे पास PdCl2 रहेगा तो क्या इसका ऐसा होएगा, Pd अलग हो जाएगा और HCl बनेगा, ऐसा हो सकता है, हां हो सकता है, हां, क्योंकि पैलेडियम इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये ऊपर वाले मेटल है, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सब भगवान वाले मेटल है, सब महंगे महंगे,
आया ना समझ में? तो वो यहाँ पर देखो आपको वही कहा गया है कि मेटल डिस्प्लेसमेंट में वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल वाले आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो पैलेडियम को डिस्प्लेस कर सकता है। अभी आप इधर ही एफपीडी की जगह ZN प्लस टू ले आओगे तो नाजी ना, ऐसा नहीं होएगा, ठीक है? ऑलराइट, डाइहाइड्रोजन रिड्यूसेस द कॉपर टू ऑक्साइड टू कॉपर इन जीरो रिडक्शन स्टेज एंड इटसेल्फ गेट्स, तो दैट इज ऑब्वियसली, अगर मान लीजिए मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है तो कॉपर को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा, उसके बदले में वो कोई वाटर बन जाएगा, है कि नहीं? तो लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड को भी वो रिड्यूस कर सकता है, कौन? हाइड्रोजन। ओके, सो ये था आपका हाइड्रोजन। अब बात करेंगे हाइड्राइड के बारे में, तो टोटल तीन तरह के हाइड्राइड होते हैं, चैप्टर का दूसरा हिस्सा है ये, आयोनिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड एंड कोवेलेंट हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड मतलब क्या होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्राइड है Na प्लस H माइनस। कोवेलेंट हाइड्राइड मतलब जैसे HCl हो गया, ये कोवेलेंट है। और मेटालिक या नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड मतलब जैसे लुटेशियम हाइड्राइड, तो लुटेशियम 0.2 और हाइड्रोजन 1.34। तो ये आप देख सकते हैं इससे इसकी जो रेशियो है, ये इस तरह से होल नंबर है क्या? नहीं है। जैसे मैंने अगर बता दिया Li AlH4, ये 1 है, ये 1 है, ये 4 है, कितना पूरा नंबर होता है। लेकिन इनमें देखो ये पॉइंट में जब नंबर आता है तो इसको हम कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। समझ में आया? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड जो होता है ना, दे डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। बराबर, कैन एनी वन टेल मी वॉट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन? यस कुशल, कोई भी कंपाउंड के एलिमेंट कहीं भी सेम ही प्रोपोर्शन में होते हैं। बराबर, जैसे मान लीजिए मैंने वाटर लिया, बराबर, मान से आप इलैबोरेट करो, करो करो रीजेंट करो, हाँ बताओ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? 2:1। हाँ, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मास की रेशियो है वो 2:16 की मास है। ओके, तो उसी प्रकार से आप वाटर चाहे कहीं से भी ले लो, अमेरिका से ले लो, भिंडर से ले लो, मीना रोड से ले लो, चाहे दिल्ली से ले लो, कहीं से भी ले लो, बराबर, उसमें वाटर तो हमेशा H2O वाली रेशियो में ही रहेगा। लेकिन लैंथेनम हाइड्राइड अगर आप लेने जाओगे, बराबर, तो उसका जो LaH, ये La3H जो है, बराबर, लैंथेनम हाइड्राइड जो है, बराबर, LaH3, सॉरी, ये आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा हर जगह LaH3 मिलेगा। कहीं पर आपको La1.8H3 मिलेगा, कहीं पर आपको La1 और H जो है वो 3.2 मिलेगा। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रपोर्शन में एग्जिस्ट करने लगता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। समझ में आया? बराबर, स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है मानसी? मतलब रेस टू पावर। नहीं, तो स्टोइकोमेट्रिक बिकम्स अ पावर हो तो रेट लॉ में जो नंबर होते हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कहलाते हैं। H2O में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इसकी स्टोइकोमेट्रिक है, प्रपोर्शन स्टोइकोमेट्री बने, ठीक है? तो चलिए, तो तीन प्रकार के हाइड्राइड है हमारे पास में, बराबर है, आयोनिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड एंड कोवेलेंट हाइड्राइड, ठीक है? ये अपने पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सा वाला बनाते हैं देख लेते हैं। आयोनिक हाइड्राइड जो है ये आपके जनरली ग्रुप वन और ग्रुप टू वाले बनाते हैं, जैसे LiH, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, दीज आर स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, मतलब आप कहीं से भी उनको ले लो उनका प्रपोर्शन हमेशा सेम ही निकलेगा, स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, ठीक है? They are formed by S block elements where the metals are highly electropositive, वहां पर बनेगा, ठीक है? Point to be noted, beryllium hydride, magnesium hydride are polymeric. These you have already covered in the hydrogen, S block chapter also. BH2 and MgH2 are polymeric in nature. Crystalline, क्योंकि obviously ionic compound है तो crystalline तो होंगे. Non-volatile मतलब easily उड़ेंगे नहीं. Non-conducting मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, जैसे आपका नमक भी है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन एक्वस स्टेट में या तो मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं। तो यहाँ पर वो ये नॉन कंडक्टिंग इन द सॉलिड स्टेट, बट दे आर मोल्टन मास, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑल्सो नॉट ओनली दैट, दे विल लिबरेट हाइड्रोजन एट एनोड, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल आते हैं। अभी जैसे मान लीजिए मेरे पास में सोडियम हाइड्राइड है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ, ठीक है, श्रद्धा अनम्यूट करो, yes, तो,
कैथोड अभी देखो आपने पहले NaCl का हमने एक किया था क्या बोलते हैं हाँ जिसमें क्या था हमारे पास में एक्वस NaCl था है ना तो कैथोड पर कौन गया था Na+ गया था कि H+ गया था H+ कहाँ गया था कैथोड पर कि एनोड पर कटायन कैथोड हाँ कटायन हमेशा कैथोड पर जाता है ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे Na+ और H+ है मोल्टन अगर मैं लेता हूँ तो कैथोड पर कौन जाएगा कैथोड पर कौन जाता है कटायन जाता है कि एनायन जाता है कटायन यहाँ पर आपके पास कितने कटायन है एक ही तो है मैंने बताया नहीं मोल्टन हाँ। है पानी तो यहाँ पर है नहीं तो Na+ और H- में कटायन कौन है Na+ तो कैथोड पर कौन जाएगा मेटल जमा होगा और ये H- किधर जाएगा एनोड पर जाएगा दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइसिस में हाइड्रोजन जो है वो हमेशा कैथोड पर जमा होता है लेकिन यदि आप हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो जो है आपको एनोड पर हाइड्रोजन गैस मिलता है क्योंकि हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन अनायन वाले हिस्से में है कि नहीं इसीलिए वो एनोड पर डिपॉजिट हुआ श्रद्धा बात समझ में आई ठीक है अच्छा अब बात समझ में आई तो मेरे एक और बात बताओ अगर यही मैं मोल्टन की जगह एक्वास लेता तो H प्लस Na प्लस कैथोड पर जाता क्या नहीं क्या जाता H प्लस बराबर ये नहीं जाता ठीक है H प्लस जाएगा एंड H माइनस और OH माइनस में H माइनस जाता है तो अगेन व्हाट हैपेंस इज व्हाट यू विल गेट इज अ हाइड्रोजन एट कैथोड एज वेल एज एट एनोड और सोल्यूशन में जो बच गया वो है NaOH समझा तो अगर आप मोल्टन का भी कराओगे तो भी आपको एनोड पर हाइड्रोजन मिलेगा कराओगे तो भी एनोड पर हाइड्रोजन मिलेगा अगर आप हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलाइसिस इस तरह होगा बात समझ में आ गई चलिए तो ये चीज है आगे Saline hydride react violently with the water by producing hydrogen gas. That's the reason why हम लोग LiLH4 को हमेशा dry ether के presence में react कराते हैं पानी हम लोग कभी भी नहीं लेते तो saline hydride reacts violently with the water producing dihydrogen gas. Okay? और जैसे यहाँ पर example दिया है मैं लिख लेता हूँ ये एक बार NaH H2O H2O बोलेगा तो क्या होता है HOH तो Na की जुड़ी किसके साथ OH के साथ और ये H+ और ये H- आपस में जुड़ी बनेगा जिससे क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होएगा बात समझ में आई कि मगज में भी गई बराबर है चले लेट अस स्पीड अप अभी ये देखो ये रिएक्शन भी आपके काम के हैं कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे बनाते हैं तो बोला LiH को लिथियम हाइड्राइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड से ट्रीट करना पड़ता है ठीक है सो दैट फॉर्म्स LiLH4 नाउ टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट हाइड्राइड तो कोवेलेंट हाइड्राइड आपके पी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं ठीक है और पी और वो लोग कोवेलेंट होने के कारण क्या होते हैं वॉलेटाइल होते हैं इजिली उड़ जाते हैं जबकि ये वाले देखो एस ब्लॉक वाले कैसे थे जल्दी जाते नहीं है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ठीक है दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ठीक है सो कोवेलेंट हाइड्राइड के तीन टाइप होते हैं बराबर है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज इलेक्ट्रॉन रिच बराबर है जिनके पास में लोन पेयर होते हैं वो लोग इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं जिनके पास में ना तो लोन पेयर है ना तो कोई खाली ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं लेकिन जिनके पास में एम्प्टी पी या डी ऑर्बिटल होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं तो अगर आप बात करें ग्रुप वाइज तो ग्रुप नंबर 13 इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इनकी एक पी ऑर्बिटल खाली होती है बराबर है कार्बन फैमिली ऐसी है जिनके पास में ना तो कुछ ज्यादा है ना कम है और बाकी तीनों की तीनों फैमिली के पास में लोन पेयर है इसके पास में एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर फ्लोरीन के पास में तीन लोन पेयर सबके पास में अलग अलग नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट होते हैं बराबर है दे विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ग्रुप नंबर 14 वाले हैं दे आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड ग्रुप नंबर 15-17 वाले हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच उसमें भी अमोनिया वाला रहेगा तो वन लोन पेयर वाटर वाला रहेगा तो टू लोन पेयर हेलोजन वाला रहेगा तो थ्री लोन पेयर ठीक है डी एंड एफ ब्लॉक के भी आपके हाइड्राइड्स बनते हैं बराबर है लेकिन ग्रुप नंबर 7, 8, 9 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे डू नॉट फॉर्म एनी हाइड्राइड
एंड दैट इज रेफर्ड एज हाइड्राइड गैप। बराबर है, अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो ये तीन फैमिली ऐसी है, बराबर है 789, बराबर है 789 ये तीनों फैमिली जो है ये हाइड्राइड्स बनाती नहीं है, इसके लिए इसको हम कहते हैं हाइड्राइड गैप। बराबर, और ग्रुप सिक्स भी एक्चुअली नहीं बनाता है, लेकिन ग्रुप सिक्स में क्या है, एक है, कौन है वो, एक चपड़गंजू, वो एक चपड़गंजू है क्रोमियम। और ये सवाल आपके एनटीए क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, जेई एनटीए में, कि कौन से ग्रुप में एक ही मेंबर है जो हाइड्राइड बनाता है, तो इट इज अ क्रोमियम हाइड्राइड, बोले तो सिर्फ एक ही हाइड्राइड बना है इसका, समझा? ओके चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं अगला, क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड के बारे में। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बट नॉट एज एफिशिएंटली एज द आयोनिक, क्योंकि आयोनिक और कोवेलेंट के बीच वाले हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा आयोनिक कैरेक्टर भी होगा और थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा। ये ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, दे बीइंग डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन। तो आप एग्जांपल देखिए, इससे आपको समझ जाएगी कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड नहीं है। तो सर ये वैल्यू सबकी याद करने की ऑब्वियसली नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डी और एफ ब्लॉक वाला आया तो ये मेटालिक है, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड है, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन यहाँ पर मैच होता नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टेंट कहाँ रह रहे, नहीं रह रहे, बराबर है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये देखो ये जो बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है ना, ये मेटल है, और इनके बीच की जो खाली जगह होती है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं, वो छोटी छोटी जगहों में हाइड्रोजन जाके ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड बनाता है, कभी कहीं पर ज्यादा घुस जाते हैं, कभी कम घुस जाते हैं, कभी कोई नहीं जाता है, बराबर। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, या आप ये कह सकते हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोडक्ट मिल रहा है, नहीं तो आपको अच्छे से प्रॉपर मिलता था। बट यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर एक एक है, कहीं पर दो है, तो कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी खुशी कभी गम, इसके लिए वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बना। हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट एंड हेंस इट डिस्टॉर्शन ऑफ द इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, बराबर है। आपका जो हाइड्रोजन जब बीच में घुसता है तो थोड़ा बहुत शेप को डिस्टर्ब कर देता है, एक्सेप्ट निकल, पैलेडियम, सीरियम एंड एक्टिनियम, ऑल अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस क्लास हैव अ लैटिस डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट एटम। क्योंकि जब हाइड्रोजन बीच में जाएगा तो वो क्या करेगा, जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा तो हिला देगा कि नहीं हिला देगा, हेलो, क्या अरेंजमेंट पहले जैसी ही रहेगी क्या, कृपा पहले जैसी रहेगी क्या, नहीं ना। हाइड्रोजन बीच में है तो थोड़ा तो धक्का मुक्की होगा और शेप में बदलाव आएगा। तो वो वही कह रहे हैं कि हाइड्राइड का क्रिस्टल लैटिस और बाकी मेटल का क्रिस्टल लैटिस अलग होता है, खाली इनके अंदर छोड़ के निकल, पैलेडियम, सीरियम और एक्टिनियम, यही ऐसे चार नमूने हैं कि जिनके अंदर मेटल का और उसके हाइड्राइड का सबका जो शेप है वो कैसा है, सेम है, ठीक है। दे आर गुड एट दी एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, ऑब्वियसली इसमें बीच में खाली जगह होती है तो हाइड्रोजन को अंदर खींच सकता है, ठीक है। पैलेडियम, प्लेटिनम कैन accommodate a large volume of hydrogen as a storage media and hence they are referred as storage media, क्योंकि hydrogen को store करते हैं, ठीक है, and stored hydrogen can be used as a source of energy, okay? I hope you know what is diborane, we discussed in the previous class only. यहाँ पर दो banana bonding होती है, बराबर है, this is called as a 3C2E bond, और ये तो आपके normal चार जो है, ये terminal वाले जो चार हैं, ये आपके नॉर्मल बॉन्ड है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। खाली जो ब्रिजवासी है, ब्रिजवासी बोले गए तो ब्रिज वाले जो है ना, ये लोग ही 3C2E बॉन्ड पर हैं, ठीक है। ऑलराइट, चले यहां से अपना अगला डिस्कशन होगा अगले क्लास में, आज के पहले क्या काम है वो सुन लीजिए।